हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सातवीं क्लास की हिंदी की किताब दुर्गा का पांचवा चैप्टर थोड़ी धरती पाऊँ। ये एक गीत है और जो ये गीत है वो लिखा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा। इस गीत के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक होते हैं। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने इस गीत में क्या कहा है। वो कहते हैं, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। तो वो क्या कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कहीं मुझे ऐसी ज़मीन मिल जाए खाली जिस पर कि मैं पेड़ पौधे लगा सकूं। अगर हो सके तो मैं क्या करूं, इस ज़मीन पर कुछ पेड़ पौधे लगाऊं, एक बगीचा बनाऊं। आगे वो कहते हैं, खिले फूल फल चिड़ियाँ बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। तो वो जो पेड़ पौधे लगाएं उसमें क्या हो, फल फूल खिलें और जो चिड़ियाँ हैं, जो पक्षी हैं, वो यहाँ पर आकर बोलें। और जो फल फूल खिलेंगे उसमें क्या होगा, प्यारी खुशबू आएगी और जो प्यारी खुशबू है वो चारों तरफ फैल जाए। और जो ताज़ी हवा है जब यहाँ से गुजरे तो यहाँ पर जो तालाब है उसमें अपना हर अंग भिगो ले। लेकिन एक इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई। तो उनको बहुत अफसोस हो रहा है कि जो संसार है इतना विशाल है लेकिन उनको एक इंच पृथ्वी नहीं मिली, एक इंच धरती कहीं भी नहीं मिली जहाँ पर कि वो पेड़ लगा सके। तो एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई, तो उनने एक पेड़ भी नहीं लगाया क्योंकि उनको पृथ्वी मिली नहीं खाली। तो एक पेड़ भी ऐसा नहीं है जो उनको अपना भाई कहे। आगे वो कहते हैं, हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। तो उनका कहना क्या है कि मैं तो पूरा संसार देख आया, सब जगह देख आया लेकिन मुझको एक इंच भी ज़मीन नहीं मिली। लेकिन हो सकता है तुम्हारे पास अपनी कुछ धरती हो, ऐसी ज़मीन हो जो खाली हो, जहाँ पर कि तुमने पेड़ पौधे लगाए हो, अपना बगीचा बनाया हो, और उसमें हो सकता है कि जो फूल हैं फल हैं वो लदे हुए हों। तो वो कहते हैं आगे, हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो। तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे पास एक छोटी सी क्यारी हो जहाँ पर कि पेड़ पौधे लगा रखे हैं तुमने, तो जो ये क्यारी है वो महक रही हो, उसमें अच्छी अच्छी खुशबू आ रही हो, और तुमने जो ये छोटी सी खेती की है उसमें जो फसलें हैं वो लहला रही हो। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारा जो आंगन है उसमें जो पक्षी हैं वो झूम रहे हो, बहुत खुश होकर इधर उधर घूम रहे हो, और जो जानवर हैं वो कहीं पर शांत भाव से घूम रहे हो। तो उनका कहना है कि पूरा संसार मैं देख आया लेकिन मुझे तो ज़मीन नहीं मिली, लेकिन तुम इतने भाग्यशाली हो सकता है कि तुम्हारे पास अपनी धरती हो जिस पर कि तुमने जो पेड़ पौधे हैं वो लगाए हुए हों, अपना बगीचा बनाया हुआ हो जिस पर कि फूल और फल आ गए हों, और हो सकता है कि तुम्हारी जो छोटी सी क्यारी हो जिसमें इतने सुंदर फूल खिले हों जो कि खुशबू दे रहे हों, और तुम्हारी जो छोटी सी खेती है वो फसलों से लहला रही हो सकता है कि तुम्हारी जो ये धरती है उसमें क्या हो, बहुत शांत भाव से जो चौपाए हैं जो जानवर हैं वो घूम रहे हों, और तुम्हारा जो आंगन है उसमें जो पक्षी हैं वो भी झूम रहे हों, खुश हो रहे हों आकर इन फल और फूलों को देखकर। आगे वो कहते हैं, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। तो उनका कहना है कि जो पेड़ पौधे होते हैं हमें उनको नहीं काटना चाहिए, जो पेड़ पौधे होते हैं वो सजीव होते हैं। तो एक एक पत्ती होती है वो हमने क्या किया होता है, बहुत ही मेहनत से उसको उगाया होता है। तो एक एक पत्ती पर हमारे जो सपने होते हैं वो हमने संजोए होते हैं। तो जो शाखें होती हैं उनकी जो शाखाएं होती हैं अगर हम उनको काट देते हैं तो जो ये पेड़ पौधे होते हैं वो भी क्या होता है, बच्चों की तरह रोने लगते हैं, उनको भी बहुत अधिक दुख होता है। तो वो कहते हैं कि पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। तो वो कहते हैं तुम अगर पेड़ लगाते हो उसमें तुम पानी देते हो तो जैसे जैसे तुम बढ़ोगे वैसे वैसे जो पेड़ हैं वो भी अपना आकार लेंगे। तो तुम क्या करो, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो और पेड़ों के संग खिलना सीखो। तो इन जो पेड़ तुमने लगाए हैं इनके साथ तुम खेलो, खुश हो, इनके साथ तुम
खिलना सीखो, और इनके साथ क्या करो, इतराना सीखो, इनके साथ तुम इठलाओ। तो जैसे पेड़ पौधे होते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, ऐसा लगता है वो खुश हो रहे हैं, तो इनके साथ तुम भी इतराओ, इनको देखकर तुम भी खुश हो। पेड़ों के संग हिलना, तो पेड़ों के संग तुम क्या करो, जैसे पेड़ पौधे हिलते हैं, झूमते हैं, तो इनको देखकर तुम भी झूमो, खुश हो, हिलो, मतलब इनके साथ तुम भी इसका आनंद लो कि जो पेड़ पौधे हैं वो कितनी अच्छी खुशबू दे रहे हैं, इन पे कितने सारे फल आ रहे हैं। तो इनके साथ ही तुम क्या करो, बढ़ना सीखो, इनके साथ ही तुम खिलना सीखो, इनके साथ तुम इठलाओ, इनके साथ तुम हिलना सीखो, इनके साथ तुम क्या करो, खेलो। इसके बाद वो क्या कहते हैं, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का बेफल चखते हैं। तो उनका कहना है कि जो बच्चे होते हैं और जो पेड़ होते हैं वही क्या करते हैं, इस दुनिया को हरा भरा रखते हैं। तो जहाँ बच्चे होते हैं और जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी खुशहाली होती है, वहाँ पर ऐसा लगता है कि सारा कुछ हरा भरा है, मतलब वहाँ पर सब कुछ खुशहाल लगता है। तो बच्चे और जो पेड़ होते हैं वो इस दुनिया को हरा भरा रखते हैं, खुशहाल रखते हैं। लेकिन जो इस बात को नहीं समझते वो क्या करते हैं, इन पेड़ पौधों को काट देते हैं, और उसका जो दुष्परिणाम होता है, उन्होंने जो दुष्कर्म किया है उसका जो दुष्परिणाम सामने आता है उसका वो फल चखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम पेड़ पौधों को काट देते हैं तो उसके जो हानिकारक परिणाम हमारे सामने आते हैं फिर वो हमें भुगतना पड़ता है। आगे वो कहते हैं, आज सभ्यता वैश्वी वन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। तो आज क्या हुआ है, हमारी जो सभ्यता है, आजकल के जो मनुष्य हैं वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं और सोचते हैं कि हम ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे तो लोग हमारा आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। तो आज के जो सभ्य लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना जो बहशीपन है वो दिखा रहे हैं, उनका जो बर्बरता है, जो उनकी असभ्यता है उसको दिखा रहे हैं, और जो उनका इस तरह का व्यवहार है उससे वो क्या कर रहे हैं, इन पेड़ पौधों को काट रहे हैं। पेड़ पौधों के काटने से क्या होता है, जो हमारी हवा होती है वो शुद्ध नहीं हो पाती, तो जो जहरीली हवा होती है वो हमारे फेफड़ों में चली जाती है। तो जो ये असभ्य लोग हैं वो इन पेड़ों को काट कर जो जहरीली हवा है वो हमारे फेफड़ों में डाल रहे हैं, हमको बांट रहे हैं ये जहरीली हवा। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया, और इस चैप्टर के माध्यम से जो कवि हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और जो ये पेड़ पौधे हैं हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक है, हमारी जो हवा है उसको शुद्ध करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं, तो हमें इनको नहीं काटना चाहिए, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो सजीव होते हैं, और जब हम इनको काटते हैं तो इनको भी बहुत अधिक कष्ट होता है, और जो पक्षी होते हैं उनका जो आशियाना होता है वो उजड़ जाता है। तो हमें कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, इन पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, ये जो पेड़ पौधे हैं इससे ही हमें क्या होता है, बहुत अधिक खुशी मिलती है, और ये हमारी दुनिया को हरा भरा रखते हैं, हमारे संसार को ये खुशहाल बनाते हैं। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असाई एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।